को मैं एक चीज दिखाता हूँ, खाना कैसे बन रहा है अभी भी यहाँ पे। ये देखो, हाँ अभी भी देखो वो चूल्हे पे खाना बन रहा है, मस्त सेटअप जी है। और वो शायद कुआं है ना, बोरवेल और कुआं है, और इस वाटर टैंक में पानी जाता है। वो सप्लाई होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकिंग सोल। आई एम गुड एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। धूप बहुत है यार, गर्मी से हालत खराब है। और ये सर हमारे गाइड थे, ये भी अब अपना डंडा वंडा बांध के निकल रहे हैं। राइट नाउ प्लान इज टू हैव ब्रेकफास्ट, विल गो टू आवर रिजॉर्ट, विल टेक बाथ, टेक सम रेस्ट, पैक आवर बैग एंड देन विल लीव फॉर बैंगलोर। राइट नाउ इट्स 10, आई थिंक बाई 11 वी विल रीच रिजॉर्ट एंड वी आर प्लानिंग टू लीव बाई 12, सो दैट बाई 4 वी विल रीच आवर होम। ये छोटा सा ऑफ रोडिंग पैच है, ट्रैफिक देख रही हो। हैव रीच्ड होटल कुमार राजा पैलेस फॉर ब्रेकफास्ट। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है। मुझे तो वड़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, वड़ा और सांभर। स्नेहा तुम्हें क्या खाने का मन कर रहा है? जो भी अवेलेबल होगा। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया? इतना छोटा ट्रक में ही चेहरा लाल। इधर है भैया, राइट साइड। ओके, विल वेट फॉर अमित टू कम। ये भी बढ़िया है यार, फ्री जोन, अल्कोहल, स्मोकिंग, प्लास्टिक, नाइस। अच्छा सा पुल भी है, सही है। वाह, विंटेज बाइक, राजदूत है ना? हाँ है, शाबाश। बैठ के मतलब कोई गिर विर गया तो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अमित लुक एट दिस विंटेज। मेरे लिए वो विंटेज है। कौन सा? बग्घी। कंफर्टेबल है। साइड वाला लगा लेते हैं, साइड वाला लगा के ना फिर निकलेंगे यहाँ से बैंगलोर के लिए। इसी तरह तारा और सितारा। सही है। जमाने के ब्रेक्स देखो, ब्रेक्स पहले होते थे उस जमाने में। कोई नहीं कोई नहीं, अमित होता है। ऑडोमीटर कुछ दिखा रहा है कितना चला है? 14। यार देखो कितना घिसा हुआ है, 14019। पता नहीं ये सही है कि नहीं है। गुड मॉर्निंग। ये होटल भी ठीक ठाक है ना, अच्छा है। सामने स्विमिंग पूल है, है? मन कर रहा है कि बस सो जाए। पानी पानी का वो लगा के। सही में फाइनली हमारा खाना आ गया, इडली, ओनियन उत्तपम, प्लेन डोसा। और स्मिता कुछ नहीं खा रही है ट्रैक के बाद, कुडॉस टू हर। हम लोग टूट पड़े खाने के लिए। ब्रेकफास्ट हो गया, अरे यार ये पूरा पसीने का दाग लग गया है। जाके होटल में शावर लूंगा और मस्त तैयार होऊंगा। देखता हूँ, खाना तो मस्त जम के खाया हूँ यार, बाइक चलाने का मन नहीं कर रहा है। और ऊपर से चाय कॉफी दोनों नहीं पियूँ क्योंकि लास्ट में जूस ऑर्डर कर दिया था। अपने रिजॉर्ट में जाके चाय या कॉफी पियेंगे। 11:30 जो टारगेट रखा है, होपफुली उसको मैच कर लें। आई थिंक थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा, 12 बजे तक शायद निकल जाए हम लोग। फाइनली अपने रिजॉर्ट पे आ गए, लेकर नीचे अपने रूम पे ही ले जाते हैं ताकि सामान लाने में यहाँ पे क्या, हाँ ठीक है, ताकि सामान चढ़ाने में दिक्कत ना हो क्योंकि अपहिल है, थोड़ा स्लोप है, तो सामान लेके चढ़ने में दिक्कत होता ही है। फ्रंट व्हील में स्क्वीकिंग साउंड आ रहा है, आई थिंक कि कुछ गंदा वंदा फंस गया होगा ब्रेक कैलिपर्स में या कहीं पे। ऐसा कुछ बेंड वेंड तो नहीं हुआ है? नहीं नहीं। रूम हमारा वहाँ है और बाइक हमने छोड़ा है यहाँ पे क्योंकि स्टेप्स हैं, ये सब स्टेप्स तो चल जाएगा बट आगे जाके एक बड़ा सा स्टेप्स है, वो मुझे अभी तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है चढ़ाने का। ये जो स्टेप्स है ना बहुत बड़ा है, मैं नीचे उतार के ऐसे लेके जा सकता हूँ बट इट विल बी टू रिस्की। बाइक गिरा तो अभी, ऐसे भी अभी प्रो राइडर बना नहीं हूँ मैं, ऐसे ही सर्विस सेंटर में बाइक गिर चुकी है एक बार। हम लोग तैयार हो गए और सामान भी हमारा पहुंच गया है बाइक के पास में, 5-10 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। बिल विल पे करते हैं और निकलते हैं। बेंगलोर का सुना हूँ बहुत हालत ख़राब है, कल रात बहुत बारिश हुई थी जिसके चलते कि बहुत जगह वाटर लॉगिंग है। इनफैक्ट मेरे घर में पार्किंग में ऑलमोस्ट 3 इंचेज ऑफ वाटर आ चुका है। सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि किस रास्ते से घर पहुँचूँ। एक दो वीडियो देखा है वहाँ पर, मतलब कार ना लिटरली तैर रहा है। सही में बहुत बारिश हो रही है बैंगलोर, 3 वीक से इतनी बारिश हो रही है बैंगलोर में। लोगों ने अगर मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो ऐसे मैं सर्विस के टाइम में जब बाइक देने गया था तो फंसा था। माँ बता रही थी कि बहुत भयानक बारिश हुआ है, व्हाट्सएप पे सारे वीडियोज और फोटोज आ रहे हैं वाटर लॉगिंग के। पहुँच तो जाएंगे ही, बस वही चिंता है कि ज़्यादा दिक्कत ना। मुझे तो क्या है कि मैं अपना इधर अटी बेले से कट लूँगा राइट में और निकल जाऊँगा। अमित को तो पूरा आउटर रिंग रोड क्रॉस करके या फिर कोरमंगला होते हुए इंदिरानगर होते हुए जाना पड़ेगा, सो उनको तो जाम भी मिलेगा और वाटर लॉगिंग रहा तो पता नहीं कब पहुँचेंगे। हाँ
ओह फाइनली वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, इट वाज अ गुड स्टे। अमित का बाइक भी तैयार है। चलो सर, बाय बाय सर, बाय बाय। अच्छा था एक वीकेंड गेटवे बन गया। ऑल सेट, नेक्स्ट स्टॉप बर्गर किंग। ज़्यादा टाइम में भी ट्रेन दिखा था और अभी जब वापस बेंगलोर जा रहे हैं, लौट रहे हैं, तब भी ट्रेन दिख रहा है। ओ भाई साहब, ये किसने बीच में रोक दिया? ओ हो, ये वही रास्ता है जहाँ पे हमें सांप दिखा था। सो फाइनली हाईवे पे भी आ गए, मजाक में ही, और मुझे सबसे पहले फ्यूल देखना है। चलो एक बार यहाँ से फ्यूल होने के बाद सीधा निकल जाएंगे। आगे वाले टायर का PSI भी ठीक है। गर्मी बहुत है यार, 34 डिग्री सेल्सियस। फिर से वापस, क्या गर्मी है भाई, मतलब पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, मतलब सर से भी पानी चू रहा है। अरे यार सीरियसली, कौन कहता है कि राइडिंग बहुत आसान है, मज़े वाली चीज़ है। देखो भाई, द अदर साइड ऑफ राइडिंग। थोड़ा बंद करते हैं कैमरा और ट्राई करते हैं खींचने का। सरपना भवन में हम लोगों ने लंच किया। मैं तो कुछ खास नहीं खाया, अपने लिए स्टार्टर्स मंगाया था, बाकी ये तीनों ने मील्स लिया। कुछ छूटा नहीं ना मेरा, देखो तो नथिंग आई लेफ्ट। ये एक ग्लव शायद तुम्हारा है, ये बॉटल रखना है। एकदम भी भूख नहीं था। हाँ, मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, धूप तो नहीं है। यहाँ से तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट नाउ इट्स 3:00 by 4:15, 4:30 तो पहुँच ही जाएंगे आराम से। मैं तो जब चलाता हूँ तो पता नहीं चलता सामने से कैसे दिखती है, मतलब शीशे में दिख रही है, क्या चौड़ी दिखती है बाइक, बाप रे बाप, लाइक इट्स अ मॉन्स्टर। लास्ट वीक यहीं आए थे, बर्गर किंग में खाया था। वी हैव रीच्ड होसूर, 0.5 किलोमीटर। भाई ट्रैफिक होसूर में भी है। बेंगलोर ही नहीं बदनाम है, होसूर भी बदनाम है ट्रैफिकों के लिए। चलो रोकने की जरूरत नहीं है अमित, बहुत गर्मी है, निकल लो आप। चलो बाय स्मिता, नाइस राइडिंग विद यू। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, फिर कभी राइड पे चलेंगे। आप लोगों को तो टाइम लगेगा, मैं तो 4:05 या 4:10 तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ से मुझे हाफ एन आवर लगेगा, 1 1.5। कौन से रूट से जाना है? हाँ देखो, 1 hour 45 minutes। ओ मैन, ट्रैफिक पूरा रहेगा लग रहा है। बाय 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 बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है। चलो हाँ हाँ, चलो मैसेज करना पहुँचने पे, ठीक है। ओके ओके बाय। सो फाइनली सेंड ऑफ हो गया अमित का, 1 hour 45 minutes लग रहा है उनको भाई, इस गर्मी में तो और ट्रैफिक में तो सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। चलो यार अब तो कुछ खास रहा नहीं इस व्लॉग में, तो आप लोग को अगर पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय चैनल बाइकिंग सोल, और फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में किसी वीकेंड राइड पे। Till then, see you. Bye-bye.